हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाने के लिए तेजी से गौ सदनों और अभयारण्यों के निर्माण का प्रयास कर रहा है। आयोग ने 2019 में गठन के बाद प्रदेश में अब तक 17,105 बेसहारा गौवंश को विभिन्न गौ सदनों और अभयारण्यों में शरण दिया जा चुका है। यह खुलासा गौ सेवा आयोग के सहायक निदेशक राजीव बालिया ने शिमला जिला के विभिन्न गौ सदनों के निरीक्षण के दौरान किया। उन्होंने गौ सदनों के निरीक्षण का मकसद आयोग की ओर से प्रति पशु मासिक 500 रुपए गौ सदनों को दी जा रही है, उस राशि का उपयोग सही हो रहा है या नहीं जांचना था। उन्होंने कहा भविष्य में पुराने गौ सदनों के सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि गौवंश को नकारा होने पर सड़कों में न छोड़े। आज प्राकृतिक खेती के लिए गौवंश की अत्यंत आवश्यकता है। ताकि कोई कमी ना रह जाए। तो भविष्य में और किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? भविष्य में जितने भी हरे पुराने गौ सदन हैं उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और ताकि बाहर जो बेसहारा गौवंश घूम रहे हैं उनको आश्रय दिया जा सके, और साथ में जो गौ अभयारण्य जो बन चुके हैं या जो बनने के कगार में, उनमें बहुत अच्छी जो बाहर घूम रहे हैं हमारा उनको तो आश्रय देना भी है। साथ साथ कुछ गौ सदनों को, बड़े गौ सदनों को ग्रीन गौशालाओं में, और ग्रीन गौशालाएं मतलब आत्मनिर्भर गौशालाएं बनानी है ताकि जो उसका जो खर्चा है वो अपने आप ही आत्मनिर्भर हो, वही बहन कर सके।